हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम बूटस्ट्रैप की हेल्प से यहाँ पर पेजिनेशन को यहाँ पर किस तरीके से क्रिएट कर सकें। और गाइस, साथ ही साथ हम पेजिनेशन तो देखेंगे ही, और उसके साथ हम देखने वाले कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर बूटस्ट्रैप का ब्रेड क्रम्स को यहाँ पर किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको एक एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ कि हमारे पास पेजिनेशन होती क्या है। तो गाइस, मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, गूगल सर्च करूँगा, और आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास लिंक्स बनी आ रही है यहाँ पर। तो गाइस, ये क्या करती है, यहाँ पर हमें डायरेक्शन देती है कि किस पेज पे हमें यहाँ पर विजिट करना है, और ये होती है हमारे पास प्रीवियस, और ये होती है नेक्स्ट। अब गाइस, मैं आपको इसको दिखाता हूँ क्रोम के ऊपर। तो गाइस, मैं यहाँ पर क्रोम पे गूगल सर्च करता हूँ। तो गाइस, जैसे ही मैंने यहाँ पर गूगल पे आया, तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास गूगल के ऊपर भी यहाँ पर पेजिनेशन आ रही है। तो गाइज, ये होते हमारे सारे पेज, और नेक्स्ट और प्रीवियस बटन हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइज, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी को आप बूटस्ट्रैप की मदद से आप यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं। तो चलते गाइज, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लेनी पड़ेगी, एक यूएल। तो गाइज, ये हमारी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी, और इसके अंदर हमारे पास होंगे लिस्ट आइटम्स, क्योंकि जो भी हमारी पेजिनेशन बनेगी उसके अंदर हमारे पास बेसिकली जो होंगी वो लिंक्स ही होंगी। तो गाइस, हम उनको यहाँ पर ऐड करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, प्रीवियस। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रीवियस शॉर्ट। अब मुझे यहाँ पर क्या देना है, इस जो यूएल है इसकी मुझे क्लास देनी है पेजिनेशन। मुझे यहाँ पर सिंपली क्लास ऐड कर देनी है पेजिनेशन। चलता हूँ ब्राउज़र पर, रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस, देखा आपने, मेरे पास प्रीवियस यहाँ पर आ चुका है। अब पेजिनेशन देने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारा एल आई है इसको मैं यहाँ पर क्लास देनी है पेज आइटम्स। इसको देनी है मुझे पेज आइटम। अब प्रीवियस से पहले मैं यहाँ पर एंकर टैग का यूज़ करके इसको एक हाइपरलिंक रेफरेंस दे दूँगा, और साथ ही यहाँ पर हैश लगा दूँगा ताकि हमें कोई भी ये पेज पे विजिट ना करे, और साथ ही मैं यहाँ पर एंकर टैग को क्लोज कर लूँगा। अब गाइज, मुझे यहाँ पर एक और क्लास देनी है पेज लिंक। अब ये क्या बन जाएगी, मेरी पेज की लिंक बन जाएगी। चलते हैं गाइज, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइज, देखा आपने, अब एक कंप्लीकेट बटन की तरह मुझे यहाँ पर ये शो कर रहा है इस लिंक को। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको एक कंटेनर में ले लूँगा, और यहाँ पर इस डिवीज़न को मैं बंद कर लूँगा, और साथ ही साथ मैं इसको मार्जिन टॉप दे दूँगा 5 से। तो गाइस, जैसे मैंने रिफ्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस की लिंक मेरे पास आ चुकी है। अब गाइस, मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 लिंक पेस्ट कर दूंगा, और इन सबको मैं यहाँ पर डिफरेंट नेम दे दूंगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1, 2, 3 देन 4 देन 5। अब इसके बाद मैं एक और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा, और यहाँ पर मैं इसको दूंगा नेक्स्ट। पहला मैंने दिया यहाँ पर प्रीवियस, उसके बाद मैंने दिया यहाँ पर नेक्स्ट। अब गाइज, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा। तो गाइज, देखा आपने, मेरी कंप्लीट यहाँ पर बिना CSS के यहाँ पर मेरी बूटस्ट्रैप की हेल्प से एक पेजिनेशन रेडी हो चुकी है। अब गाइज, इस पेजिनेशन के अंदर हमारे पास कुछ क्लासेस हैं। अगर मान लीजिए कोई अगर यूज़र हमारे इस वाले पेज पे विजिट कर रहा है, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये विजिट कर रहा है, तो गाइज इसको हम यहाँ पर एक्टिव कराएंगे। तो गाइज, सिंपली आपको यहाँ पर एक क्लास ऐड करनी पड़ेगी एक्टिव की। चलते गाइज, इसको रिफ्रेश करता हूँ, और सॉरी गाइज, इसको मुझे लिंक पर नहीं, पेज के आइटम पे मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा एक्टिव। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइज, देखा आपने, अभी मेरी क्या बन चुकी है, एक विजिटेड लिंक है। तो गाइज, जब आप इसको कोई बैकएंड प्रोग्रामिंग के साथ यहाँ पर ऐड करेंगे, तो गाइज जो भी वहाँ पर क्लिक करेगा तो वो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई प्रीवियस पे एक्टिव है, तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, उसके अंदर आप यहाँ पर इसको एक्टिव की क्लास दे देंगे। तो गाइज, देखा आपने, प्रीवियस और नेक्स्ट के अंदर आप इन सबको क्लास दे सकते हैं। अब गाइज, अगर आपकी कोई यहाँ पर लिंक डिसेबल्ड है, मान लीजिए अगर ये 3 वाले पेज वाली मेरी लिंक यहाँ पर वर्क नहीं करती, मतलब इसके अंदर हमने कोई पेज को ऐड नहीं करा हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र इस पर क्लिक करे तो कोई रिडायरेक्ट ना करे, तो मैं क्या करूँगा, इस वाली को लिंक को मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, डिसेबल्ड। तो मैं यहाँ पर डिसेबल्ड की क्लास ऐड कर दूँगा, और सॉरी गाइज, मुझे यहाँ पर इसको फिर से, मैं भूल गया कि मुझे पेज आइटम पर देनी है, तो मैं यहाँ पर दूँगा पेज आइटम के साथ मुझे यहाँ पर लिखने डिसेबल्ड। तो गाइज, जैसे ही मैंने इसको डिसेबल्ड करा, तो गाइज ये अब ये ना तो क्लिकेबल है, ना इसका कलर मेरा लिंक के कलर जैसा आ रहा है, और साथ ही साथ इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा कर्सर भी
चेंज नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पर कर्सर चेंज हो रहा है, नीचे लिंक आ रही है, बट ये मेरा यहाँ पर डिसेबल्ड हो चुका है। अब गाइस हमने पेजिनेशन तो इसमें देख लिया कि पेजिनेशन क्या होती है, अब मैं इसमें दिखाऊंगा आपको कि पेजिनेशन का यहाँ पर हम साइज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरे पास पेजिनेशन है स्मॉल, अगर मुझे यहाँ पर पेजिनेशन स्मॉल चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पेजिनेशन SM। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो गाइस देखा आपने ये एक्चुअल साइज से यहाँ पर स्मॉल हो चुकी है। अब एक और यहाँ पर पेजिनेशन लेते हैं और मैं इसको कर देता हूँ सेव और यहाँ पर मैं कर देता हूँ लार्ज। तो अब ये पेजिनेशन क्या हो जाएगी, लार्ज। तो गाइस देखा आपने लार्ज में और स्मॉल में यहाँ पर कितना डिफरेंस है। और अगर हमें यहाँ पर डिफॉल्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और ULLI को यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर सिंपली यहाँ से रिमूव कर दूंगा इस पेजिनेशन को और चलते ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देखा आपने कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो एकदम परफेक्ट है। अब गाइस अगर आप चाहते हैं कि इन सबको यहाँ पर अलाइन करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी लेफ्ट अलाइन है, अगर आप चाहते हैं राइट हो चाहे ये सेंटर्ड हो तो उसको आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो गाइस सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर क्लास डालनी पड़ेगी जस्टिफाई कंटेंट की। तो गाइस अगर मैं डालता हूँ यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, गाइस मैं ऊपर वाली को चेंज नहीं करूँगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है हमारा लेफ्ट में होता है, बट सेकंड वाले को हमें चाहिए सेंटर में, तो मैं यहाँ पर कर लूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। चलता हूँ ब्राउज़र पर, जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगा तो गाइस देखा आपने ये मेरी आ चुकी है सेंटर में। अब आप चाहते हैं इस वाले को यहाँ पर राइट में करना है तो हम यहाँ पर सिंपली UL के अंदर क्लास डालेंगे जस्टिफाई कंटेंट एंड, जस्टिफाई कंटेंट एंड में। तो जैसे ही आप उसको एंड करेंगे ये मेरा राइट साइड यहाँ पर अलाइन हो जाएगा। तो गाइस देखा आपने कि कितनी सारी क्लासेस का हम यहाँ पर इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पर ब्रेड क्रम्स का यहाँ पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ब्रेड क्रम को आपको दिखाने के लिए मैं एक वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ आपको, एक इग्नू की वेबसाइट पर हम चलते हैं। और जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो गाइस अगर मैं यहाँ पर किसी भी पेज के ऊपर जाता हूँ, मान लीजिए अगर मैं कोई भी अगर मान लीजिए हॉल टिकट वाले पेज पर, ये हॉल टिकट तो नहीं जिसके अंदर हमारे पास कुछ कंटेंट मिलेगा, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ फ्रेश एडमिशन इस वाले पेज पर जाता हूँ। तो गाइस ये भी इनका यहाँ से UI तो चेंज हो चुका है बिल्कुल, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ प्रोफाइल वाले पेज पर। तो गाइस हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डायरेक्टरी बता रहा है कि होम पेज है, देन उसके बाद हम कहाँ गए अबाउट इग्नू पे, देन उसके बाद हम आए यहाँ पर प्रोफाइल पे और उसके अंदर है हमारे पास प्रियम्बल नाम से एक कंटेंट है। तो गाइस इसको हम बोलते हैं ब्रेड क्रम, ये हमारी डायरेक्टरी बताता है कि हम कौन से पेज पे हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो गाइस इसको हम यहाँ पर कैसे बना सकते हैं बूटस्ट्रैप में, तो गाइस सिंपली हमें यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, एक UL की क्लास देनी पड़ेगी ब्रेड क्रम, सिर्फ हमें यहाँ पर डालना है ब्रेड क्रम। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फिर से LI लूँगा और इस LI के अंदर मैं मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ होम। अब मैंने लिखा यहाँ पर होम, अब इस LI की मुझे क्लास देनी यहाँ पर ब्रेड क्रम का आइटम, सिंपली एक क्लास जोड़नी मुझे ब्रेड क्रम का आइटम। अब मैं यहाँ पर इसको दो बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर दे दूँगा होम अबाउट और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कंटेंट। चलते गाइस ब्राउज़र पर, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो गाइस देखा आपने ये हमारी बूटस्ट्रैप की ऑटो जनरेटेड यहाँ पर मेरे पास एक ब्रेड क्रम आ चुकी है। अब गाइज अगर आप CSS से करते तो आपका वो बिल्कुल सेम इग्नू की तरह बनता है कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बना सकते हैं, बट अगर आप बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं तो गाइज ये आपकी क्या बनेगी यहाँ पर ब्रेड क्रम यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी स्लैश के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्जिन पैडिंग और इसका बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी इसमें ऐड है। तो गाइज इन्हीं के अंदर आप यहाँ पर लिंक लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा सिंपली एंकर टैग लूँगा, हाइपर लिंक रेफरेंस लूँगा मैं यहाँ पर इसको और इसके अंदर डाल दूँगा हैश, देन उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा इन सभी का एंकर टैग क्लोज कर दूँगा। चलते गाइस ब्राउज़र पे, तो गाइस देखा आपने अब ये मेरी लिंक यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब इनके ऊपर क्लिक करूँगा तो पेज को मेरे को ये रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ भी हम इसका हाइपर लिंक रेफरेंस को ऐड करेंगे। अब मान लीजिए जिस पेज पर हम आ चुके हैं तो उसको मुझे यहाँ पर नहीं दिखाना है, तो मैं यहाँ पर इसको सिंपली क्या कर दूँगा डिसेबल्ड, मुझे यहाँ पर सिंपली करनी है डिसेबल्ड। गाइस ये डिसेबल्ड मैं इसको एंकर की क्लास में देता हूँ। तो गाइस ये मेरा ब्रेड क्रम के लिए तो डिसेबल्ड वर्क नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको आप हैश कर देना और बाकी सारे आप यहाँ पर
लिंक प्रोवाइड कर देना। तो ब्रेड क्रम का आइटम आप यहाँ पर देख सकते हैं, बट इसने क्या करा, इसको डिसेबल्ड की क्लास यहाँ पर ऐड नहीं हो रही है। तो आप यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं कि इसका टेक्स्ट क्या कर सकते हैं, म्यूटेड कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट आप कर सकते हैं म्यूटेड। तो उससे क्या होगा ये, तो गाइस इस पर अभी भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा। तो गाइस ये आपका डिफ़ॉल्ट ही रहने वाला है, तो आपको यहाँ पर ये टेक्स्ट भी इसका चेंज नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर एंकर टैग में इसको चेंज करके देखता हूँ, यहाँ पर करता हूँ मैं इसको टेक्स्ट म्यूटेड, चलते हैं ब्राउज़र पे। तो गाइस देखा आपने, अब इसने क्या करा, इसका टेक्स्ट म्यूटेड कर दिया। तो गाइस टेक्स्ट म्यूटेड आप तब करें कि जिस पेज पर आप आ चुके हैं। तो गाइस इसमें डिसेबल तो वर्क नहीं करता है इसकी तरह, बट हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका कलर को चेंज कर सकते हैं। सो गाइस देखा आपने कि हम पेजिनेशन और ब्रेड क्रम्स को हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप की हेल्प से कितनी आसानी से बना सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।